नमस्ते दोस्तों, हैप्पीली विश में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गणेश चतुर्थी के लिए एक खास महाराष्ट्रियन व्यंजन वाटली डाल। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो इसे जरूर लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के चिन्ह को दबाइए ताकि हमारी आने वाली रेसिपीज आप तक आसानी से पहुंचे। रेसिपीज पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट happilywish.com को विजिट कर सकते हैं। इस रेसिपी के लिए सामग्री की सूची आप यहां और नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वाटली दाल बनाने के लिए हम चना दाल को अच्छी तरह से धोकर 2.5 से 3 घंटे के लिए भिगोएंगे। दोस्तों, मराठी में वाटली दाल का मतलब है पिसी हुई दाल। इस व्यंजन के लिए हम चना दाल को दरदरा पीसते हैं। दाल पीसते समय हम थोड़ा सा पानी भी इस्तेमाल करेंगे। दाल को हमने दरदरा पीस लिया है। आप देख सकते हैं इसमें पानी ज़्यादा नहीं है और ये बिल्कुल ड्राई भी नहीं है। अब हम तड़का तैयार करेंगे। तड़के के लिए कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। इस रेसिपी के लिए थोड़ा ज़्यादा तेल लगता है जिससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। मैंने यहाँ मूंगफली का तेल इस्तेमाल किया है। गैस की आँच लो मीडियम पर रखें ताकि तड़का जले ना। तेल गरम होते ही इसमें राई डालकर तड़कने देंगे। अब इसमें जीरा डालकर तड़कने देंगे। अब डालेंगे एक साथ कुटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। इन्हें हम 10 से 15 सेकंड के लिए चलाएंगे। कड़ी पत्ता भी डाल देंगे। इसे भी हम 5 से 10 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। दोस्तों, इस रेसिपी के लिए कड़ी पत्ता थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि इससे बहुत अच्छा स्वाद आएगा। अब इसमें हल्दी और हींग डालकर 2 से 3 सेकंड के लिए चलाएंगे। तड़का तैयार है। अब हम इसमें पिसी हुई चना दाल डालेंगे और लगभग 1 मिनट के लिए चलाएंगे। नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम दाल को ढककर लगभग 5 मिनट तक पकने देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। दोस्तों, गणेश चतुर्थी के लिए और भी बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन हमारे चैनल पे हैं। ऊपर दी गई लिंक पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। दाल को हमने लगभग 5 मिनट तक पकाया है। दोस्तों, अगर आपको लगे कि दाल ज्यादा ड्राई पड़ गई है तो आप इसमें 2 से 3 छोटे चम्मच पानी छिड़क सकते हैं। अब हम इसमें स्वाद के लिए चीनी डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। दाल को ढककर हम और 1 मिनट तक पकाएंगे ताकि चीनी अच्छी तरह से पिघल जाए। आप देख सकते हैं दाल का रंग बदल गया है और ये अच्छी तरह से पक गई है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसमें नींबू का रस डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। वाटली दाल तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। इसे सर्व करते समय धनिया पत्ते और नारियल से गार्निश करना ना भूलें। मैंने यहाँ ताज़ा नारियल इस्तेमाल किया है, लेकिन आप सूखा नारियल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।